है गेमिंग लवर, वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं हाउस डिजाइनर। तो लास्ट एपिसोड में हमने अपने लिविंग रूम को रीडिजाइन किया था, तो आज हम अपने वॉशरूम को रीडिजाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये हमारा वॉशरूम है। तो इस वॉशरूम में हम इसको बेसिकली बहुत ही लग्जरी बनाएंगे। तो इस डोर को क्लोज कर देते हैं और ये टाइल्स और वॉलपेपर चेंज करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो वॉलपेपर्स देखते हैं इसके अंदर सबसे अच्छे वॉलपेपर। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वॉलपेपर कौन सा सबसे बढ़िया लगा, और मैं अभी देख रहा हूँ। तो इस वॉलपेपर को अप्लाई करके देखते हैं सबसे पहले। नहीं, ये कुछ ख़ास नहीं है। और देखते हैं, ये वो है जो हमारे बाहर लिविंग रूम में लगा हुआ है। ये इससे अच्छा हम टाइल्स लगा के देख सकते हैं। इसमें ये कारपेट है, इसमें टाइल देखते हैं। टाइल्स में टाइल मार्बल इसको देखते हैं। ये कुछ कुछ अच्छी लग रही हैं, इसी को अप्लाई करते हैं। ये सही है, इसको चारों दीवार पे अप्लाई करते हैं। और ये हो गया। अब देखते हैं फ्लोरिंग के लिए देखते हैं सबसे पहले। और कुछ है क्या इसके अंदर फ्लोरिंग टाइल्स? नहीं, ये फ्लोर टाइल्स नहीं है, कारपेट है। तो कारपेट देखते हैं इसके अंदर सबसे बढ़िया कौन सा है। कारपेट भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। ये फ्लोर हार्डवुड है, हार्डवुड में भी नहीं। तो हमें टाइल्स ही देखनी होगी। टाइल्स देखते हैं कौन सी लगाते हैं। ये टाइल, ये ब्लैक टाइल्स कैसे? नहीं, ये भी कुछ ख़ास नहीं लग रही। और देखते हैं इससे बढ़िया। और तो फिर कुछ ज़्यादा ख़ास टाइल्स नहीं है इसके अंदर। देखते हैं फिर भी एक बार और ट्राई मारते हैं, क्या पता मिल जाए अच्छे से। नहीं, है ही नहीं इसके अंदर टाइल्स, ये ब्लैक टाइल्स। और देखते हैं बस लास्ट, ये तो वही है जो पहले अप्लाई हो रखी थी। तो चलो ये बस ये सही है, इसी को लगाते हैं। और अब देखते हैं ये बेसबोर्ड। और देखते हैं डार्क कलर का, देखते हैं सबसे पहले तो डार्क कलर का कैसा रहेगा। डार्क तो कुछ ख़ास नहीं लग रहा, थोड़ी वाइट कलर में भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं दिख रहा। और तो ये भी वुडन कलर का है, ये भी कुछ ख़ास नहीं है। ये एक और वाइट कलर में है। तो बेसबोर्ड तो कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं इसमें, इसी को अप्लाई करते हैं। और अब हम अपने टॉयलेट में लगाते हैं शावर। देखते हैं, ये गए हम वॉशरूम, बात नहीं शावर लगाएंगे, हम बाथ टब नहीं लगाएंगे, एक ही शावर लगाएंगे सिंगल वाला। देखते हैं इसमें क्या कौन सा बढ़िया है, ये शावर लगा के देखते हैं। हाँ तो इसको रिमूव, हाँ ये सही है, इसको यहाँ पर प्लेस। नहीं, और देखते हैं फिर भी ये लगाते हैं, ये शावर कैसा रहेगा। ये इसको लगाते हैं यहाँ पर कॉर्नर में, हट गया। डोर को ओपन किया, अब देखते हैं इसमें। हाँ सही है, ये यहाँ पर सही है। और अब लगाते हैं इसमें शावर हेड। तो शावर हेड में ये थ्री लगाते हैं, ये सही लग रहा है,
इसको थोड़ा सा नीचे करके लगाते हैं। हाँ ये होगा शावर हेड, और अब इसको टानो। सही है, चलो कई दिन हो गए नहाए हुए, हम नहा भी लिए इसी के साथ। इसको डोर को, नहीं नहीं ये गलत हो गया, डोर को क्लोज करते हैं। ये क्लोज, अब देखते हैं वॉशरूम, सॉरी टॉयलेट, टॉयलेट्स और टॉयलेट, हम टॉयलेट थ्री, टॉयलेट थ्री तो ये ऐसी है, सिक्योरिटी टॉयलेट जैसी है ये, तो टॉयलेट टू को लगाते हैं। टॉयलेट टू, अब लगाते हैं फ्लैश, फ्लैश बटन, ये ऑन है, अप्लाई हुआ। ये लग क्यों नहीं रहा है? ओह सॉरी, इसके साथ तो अटैच हो, फ्लैश बटन इसके साथ ही है, फ्लैश बटन, सॉरी मैं बार बार फ्लैश क्यों बोल रहा हूँ, फ्लैश। तो अब लगाते हैं वॉश बेसिन, वॉश बेसिन नहीं सिंक। तो अब लगाते हैं गाइस सिंक, सिंक लगाने के लिए हम सिंक लगाएंगे हम यहाँ पर इस वाली वॉल पर, इस साइड। तो सबसे पहले कैबिनेट, सिंक कैबिनेट लगाते हैं, और ये क्या लिया कैबिनेट, इसको यहाँ पर प्लेस किया, और अब लगाते हैं सिंक। ये टॉयलेट वाले होंगे जिसमें लगाते हैं सिंक फोर, इसको रोटेट करके, हाँ ये हो गया सिंक फोर। अब लगाते हैं नल, और कहाँ गया ये रहा, इसको यहाँ पर, हाँ ये हो गया रिप्लेस। और लाइटनिंग भी, कुछ लाइटनिंग लगाते हैं इसके अंदर, तो ये लाइट्स के अंदर गए, सीलिंग लाइट्स, ये स्पॉट लैंप लगाते हैं एक यहाँ पर, चारों कॉर्नर में लगाते हैं इनको, एक यहाँ लग गया, और थोड़ा बैक आके एक यहाँ पर, और एक और लास्ट सॉन्ग ये होगा, वो थोड़ा सा नहीं लगा, उसको थोड़ा पीछे करके लगाते हैं, ये हो गया यहाँ पर। अब इसको ऑन करते हैं, ये हो गया ऑन, इसको भी ऑन करते हैं, ये लास्ट, ये थोड़ा सा तिरछा लग गया, ये इसको पीछे आकर यहाँ पर लगाते हैं इसको, ये भी हो गया ऑन। तो इसकी लाइट में कुछ ज़्यादा नहीं है, देखो पहले देखो कैसा था, अब देखो। और अब चलते हैं बाहर, हमारा वॉशरूम तो हो गया ठीक, बहुत ही सही बन गया वॉशरूम, डोर क्लोज द डोर। तो गाइस इस रूम में मैं बनाऊंगा बहुत ही खतरनाक चीज़, जो कि आपको आगे वाले गेम प्ले में बताऊंगा, अभी नहीं। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको हाउस डिज़ाइनर का ये वाला गेम प्ले अच्छा लगा हो, अच्छा हो लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वो चलिए मिलते हैं, और आप कमेंट्स में गैस कर सकते हैं कि मैं इस रूम में नेक्स्ट गेम प्ले में क्या बनाऊंगा,